हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ व्हाट्सएप ट्रिक्स। फर्स्ट ट्रिक है हमारे स्टिकर्स एंड कलर्स। सो पहले आप कोई भी इमेज ले लीजिए, उसके बाद आपको स्टिकर लेना है। स्टिकर का आप कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए स्लाइड अप स्लाइड डाउन करके आप कलर चेंज कर सकते हैं। फिर आप इस तरीके से कुछ ले लीजिए और आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए ये मैंने एक बॉक्स लिया है, इसका भी कलर चेंज हो रहा है। आप इसमें कोई मैसेज टाइप कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं। आप इसे रोटेट करेंगे तो ये रोटेट भी हो जाएगा ईजिली, तो आप इस तरीके से इसे रोटेट कर सकते हैं और इसमें कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। मैं लिख रही OMG, तो इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इस बॉक्स के अंदर लिख दूंगी। तो ये हमारे स्टिकर तैयार हैं। सेकेंड ट्रिक है फॉन्ट चेंज। सबसे पहले आप कोई भी इमेज ले लीजिए, आप GIF फाइल भी ले सकते हैं या कोई इमेज भी ले सकते हैं। उसमें कोई भी मैसेज लिख दीजिए, मैंने लिखा है सब्सक्राइब। जब आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे कलर को टच करते हुए तो इसका फॉन्ट चेंज होगा, और जब आप स्लाइड अप स्लाइड डाउन करेंगे तो आपका जो कलर है वो चेंज होगा। तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। थर्ड है हमारा लाइन थिकनेस। तो मैंने एक ब्लैंक इमेज ली है, तो आप जब कलर को टच करते हुए राइट साइड में जाएंगे तो ये थिकनेस बढ़ती जाएगी, और जब आप पीछे साइड आएंगे तो थिकनेस कम होती जाएगी। देखिए मैंने सभी जितनी भी थिकनेस इसकी वो मैंने आपको सारे बना के दिखा दिए हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। आप इसको डिफरेंट तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोई मैसेज टाइप करना है, कुछ लिखना है, तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। ये देखिए इसका डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ये मैंने डॉट डॉट बना दिए हैं, इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है वॉइस रिकॉर्ड ट्रिक्स। अगर आप किसी वॉइस मैसेज को पहुंचने से पहले डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देखिए डिलीट कर सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको, आपको ये वॉइस वाला जो सिंबल, इस पर क्लिक करके ऊपर साइड स्लाइड करना है, तो एक लॉक बटन आएगा, उसके बाद ये कैंसिल का जो बटन दिख रहा है आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। आप चाहें तो स्लाइड भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट स्लाइड करेंगे तो भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये दो ट्रिक है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ हमारा डिलीट प्रीवियस मैसेजेस। अगर आप ये चाहते हैं रिसीवर फ़ोन से आपका मैसेज डिलीट हो जाए, वो आपने एक साल पहले किया हो या एक महीने पहले किया हो या एक हफ्ते पहले किया हो, वैसे तो व्हाट्सएप के साइड से हमें थोड़ा टाइम मिलता है, लेकिन उस टाइम के बाद अगर कोई मैसेज आपको डिलीट करना है तो उसकी एक ट्रिक है। आपको सिंपली सेटिंग्स पे जाना है, उसके बाद आप ऐप्स मैनेजमेंट पे जाएंगे, उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे जाके उसे स्टॉप कर देना है। ये आपको विदाउट नेट करना है सारी चीज़ें, पहले आप नेट ऑफ कर दीजिए उसके बाद आपको करना है। उसके बाद आपको चेक करना है आपने वो मैसेज किस ड्यूरेशन में किया था, आप उसका टाइम और डेट देख लीजिए और यहाँ पे फिक्स कर लीजिए। जैसे कि मैंने कब किया था, मैं चेक करती हूँ, मैंने किया था 12:43 PM पे, तो मैं ये टाइम सेट करूँगी यहाँ पे, तो मैं सेट कर देती हूँ 12:43 PM। तो देखिए मैंने टाइम सेट कर दिया है। अब मैं मैसेज पे जा रही हूँ, ये मैसेज मैं डिलीट करूँगी अपने फ़ोन से। अब यहाँ पे एवरीवन का आने लगा, देखिए डिलीट फॉर एवरीवन, पहले इसमें नहीं आ रहा था, इसमें आ रहा था डिलीट फॉर मी, अब डिलीट फॉर एवरीवन आने लगा, तो ये मैसेज मैंने डिलीट कर दिए हैं। अब मैं रिसीवर के फ़ोन में देखूँगी क्या वहाँ से ये मैसेज डिलीट हुए, उसके लिए हमें नेट ऑन करना पड़ेगा। और देखिए मैसेज सामने वाले के फ़ोन से भी डिलीट हो चुके हैं, तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। सो सिक्स है प्राइवेट स्टेटस। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टेटस कोई पर्टिकुलर पर्सन ना देखे या फिर कुछ पर्टिकुलर पर्सन ही देखें, तो आप इधर से जाके सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। 7 है स्टेटस रीड। अगर आप चाहते हैं आप किसी का स्टेटस देखें और उसे पता भी ना चले, तो आपको रीड रिसिप्ट पे जाके इसे ऑफ करना है। उसके बाद आप किसी का भी स्टेटस देखेंगे तो सामने वाले पर्सन को पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है और कब देखा, कुछ भी इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा नाम आ ही नहीं रहा, मतलब मैंने इनका स्टेटस देखा लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। फिर है मैसेज स्लाइड। वैसे तो ये ऑप्शन बहुत लोगों को पता है, और जिनको पता नहीं है तो आप देख लीजिए, आप सिंपली स्लाइड करके इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। आपको ऊपर से स्लाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली पर्टिकुलर मैसेज को स्लाइड करिए और आंसर कर दीजिए। तो ये ट्रिक भी यूज़फुल है, आप ये ट्राई कर सकते हैं। फिर लास्ट है ग्रुप इन्फो। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, अगर आपने किसी को कोई मैसेज किया है और आप देखना चाहते हो वो मैसेज किसने किसने देखा है, तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं।
ये देखिए मैंने मैसेज किया, उसके बाद मैं ऊपर जाऊंगी, ऊपर साइड आपको दिख रहा होगा, इन्फो पे जाऊंगी। इन्फो पे आप चेक कर सकते हैं रीड बाय, किसने किसने आपका मैसेज रीड किया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।